नेहा कक्कड़ आजकल सोशल मीडिया की फेवरेट बनी हुई है। वो ऐसे कि कभी वो अपने आदित्य से शादी के लिए सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं, तो कभी अपने आंसुओं के कारण। यूं तो आपने अक्सर नेहा को इंडियन आइडल के मंच पर कई मर्तबा रोते आंसू बहाते देखा होगा, लेकिन इस बार नेहा का एक बेहद ही जबरदस्त अवतार सामने आया है, जिसमें वो दे रही है किसी को गुस्से में वार्निंग। जी हाँ, हमेशा स्माइल करने वाली, खुशी से लोगों को गले लगाने वाली नेहा इस बार गुस्से में आग बबूला होते हुए एक ऐसे शख्स को दे रही है जमकर नसीहत, जिनसे कभी करती थी वो बेतहाशा प्यार। अगर आप हमारी बात समझे तो बता दें कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक टाइम में नेहा के दिल के सबसे करीब रहने वाले इंसान एक्टर हिमांश कोहली की, जिनसे नेहा के तार टूटकर अब अलग हो चुके हैं। नेहा और हिमांशु का ब्रेकअप अब जग जाहिर है, तो फिर अब ऐसी क्या बात हुई कि ये दोनों भयंकर तरह से लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जामों की पोटली उड़ेड़ रहे हैं। वह क्या है ये सारी कहानी, वो हम आपको जरूर बताएंगे, तो सुनिए। हाल ही में हिमांशु ने एक इंटरव्यू के दौरान नेहा से ब्रेकअप की असलियत बताई, जिसके बाद नेहा कक्कड़ ने इशारों इशारों में उन पर निशाना साधा है। अब नेहा ने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह सुनिए। बॉम्बे टाइम वेबसाइट से बात करते हुए हिमांश ने कहा था, मीडिया ही नहीं बाकी लोग भी मुझे नेहा कक्कड़ का एक्स बॉयफ्रेंड कहकर ही बुलाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ रहा है, हालांकि मुझे बुरा भी लगता है क्योंकि मेरी भी अपनी एक अलग पहचान है। मैंने साल 2011 में अपने टीवी शो हमसे है लाइव से अपना सफर शुरू किया था। साल 2014 में फिल्म यारियों से मुझे पहचान मिली। नेहा और मेरी मुलाकात इसके बाद हुई थी। रांची डायरीज फिल्म में नेहा का एक गाना था, शायद इसी दौरान हम मिले थे। हम करीब एक साल तक साथ रहे। मैं उसे लेकर काफी सीरियस था और शादी का प्लान भी था। एक वक्त ऐसा था जब सोशल मीडिया पर हर कोई मुझे ही बुरा भला कह रहा था। अब चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई है। नेहा ने जो कुछ भी कहा उसी से लोगों ने अंदाजा लगा लिया और मुझे विलन की तरह बना दिया। नेहा ने टीवी शो में रो दिया और लोगों को यकीन हो गया। जब सब मुझे गलत ठहराने लगे तो मैं भी रोना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को शांत कर लिया। जिससे मैं इतना प्यार करता था उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ, इसकी बहुत सी वजह थी, लेकिन अब इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि नेहा इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। इस तरह हमने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। ब्रेकअप का फैसला उसका था, इसके बावजूद वही सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखती रही। भाई जैसे ही हिमांश का ये स्टेटमेंट सामने आया तो गॉसिप के गलियारों में हंगामा मच गया। हर कोई इसी के बारे में बात करने लगा और अब खुद नेहा भी हिमांश के स्टेटमेंट पर ऐसी भड़की है कि क्या ही कहें। नेहा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें वो हिमांश का नाम लिए बिना उन्हें लताड़ रही है। नेहा लिखती है, लव यू गुड्डू, भगवान की दया से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैव एवरीथिंग माई विशेज फ्रॉम लाइफ। Really, really happy that I am living a happiest life and that because of God's karma. लोग जो भी बुरा बोलते हैं ना मेरे बारे में, they are nothing but fake and jealous and using my fame to appear in news. पहले भी use किया है, मेरे पीछे से भी use कर रहे हैं। Oye, get a famous cause of your work, not because of me. Don't use my name to get famous again. If I open my mouth, I will bring here your mother, father and sister deaths too. What all they did and said to me. Don't you dare use my name and don't become bichara in front of the world, making me look like a villain. Warning you, stay away from me and my name. तो सुना आपने? नेहा ने तो सीधे सीधे हिमांशु को वार्निंग ही दे डाली है। जो कभी एक दूसरे के प्यार में खोए थे अब वही एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि नेहा की इस वार्निंग का हिमांशु क्या रिप्लाई देते हैं और इस पर अब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस मामले पर आपका क्या है कहना, दीजिएगा अपना जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।